Hello friends, this is Padarbin, your soft skills and English communication faculty. आज मैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ. आज ये वीडियो देखने के बाद आपको जो वर्ड पावर और जो याद करने का जो चीज़ जितना वोकैबुलरी है वो सारा चीज़ आप आराम से सीख जाएंगे. कैसे सीखेंगे? यस, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं कि हम भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं. लेकिन ऐसा क्यों होता है ये हमें जानना ज़रूरी है. यदि आप अच्छे से जानना चाहते हैं ये क्यों होता है और इसको आप सीखना चाहते हैं हाउ टू शार्पन मेमोरी, तो मेरा ये वीडियो को आप फॉलो कीजिए. यस, आज ऐसा एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो ट्रिक्स आपको खोल कर रख देगा और आप अपना मेमोरी को शार्प कर पाएंगे. और आप यदि सारा वर्ड को मेमोराइज करना चाहते हैं तो मेरे साथ एक गेम खेलना होगा. आज इस वीडियो में एक गेम खेलूंगा मैं और आपको इसी गेम में कोऑपरेट करना होगा. गेम खेलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा. आप कहीं पे बैठ जाइए अच्छे से, इसको वहाँ उसी टाइम में इस वीडियो को प्ले कीजिए जहाँ पे आप रिलैक्स में बैठ पाएंगे. और बैठते वक्त आप एक चीज़ को ध्यान देना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, नो डिस्ट्रैक्शंस. उसमें कूल और कामली आपको इस वीडियो को वॉच करेंगे और ट्रिक सीखेंगे, तब आप और मैं गेम खेल सकते हैं. सो आप तैयार हैं, रेडी? और सही टाइम नहीं हुए तो सही टाइम में इस वीडियो को चलाइए और देखिए. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है मेमोरी रिटेंशन. कैसे हम वोकैबुलरी को याद कर पाएंगे, क्या ट्रिक्स अप्लाई करने से हम सारा वर्ड्स को मेमोराइज कर पाएंगे. आई विल टेल यू द ट्रिक्स, द टेक्निक्स, एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर ऑल द वर्ड्स. यस, लेट्स गो. सो आई विल डेमोन्स्ट्रेट समथिंग फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज. लेकिन इससे पहले एक छोटा सा मैं बोलूँगा, आपको जो वर्ड मैं अभी देने वाला हूँ उसी वर्ड को आप पेन में नोट मत कीजिए, कहीं पे मत लिखिए, कि मोबाइल में भी मत लिखिए. सिर्फ आप सुनिए उसको. पहला आपका लिसनिंग टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप मेरा इंस्ट्रक्शन धीरे धीरे फॉलो करेंगे और आज ये गेम आप और मैं खेलेंगे. पहला चीज़ है इस गेम का नियम, आप कोई जगह पे मेरा वर्ड जो मैं अभी बोलने वाला हूँ नोट नहीं करेंगे. यस, आप सिर्फ मुझे सुनेंगे, याद करेंगे और बोलेंगे. और मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा आप कैसे जल्दी सीख जाएंगे और इसी वीडियो के माध्यम से आप अपना मेमोरी को शार्प कर पाएंगे. यस, आर यू रेडी? बी एन ऑनेस्ट एंड गो बाय दैट. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. हम बहुत सारा वर्ड याद रखते हैं लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं. एक मेमोरी रिटेंशन गेम में मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा, जो जो वर्ड्स हम डे टू डे लाइफ में बार बार यूज़ करते हैं उसी वर्ड को याद करते हैं कि नहीं, ये भी एक सवाल है. हम भूल भी जाते हैं, याद भी रहता है. लेकिन हम इसके ऊपर टेस्ट लेंगे. मैं अभी आपके एक टेस्ट लेने वाला हूँ, उस टेस्ट का नाम है मेमोरी रिटेंशन टेस्ट. तो याद रखिए, इस टेस्ट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मुझे सुनेंगे अच्छे से. रेडी? ग्रेट. तो चलिए इस टेस्ट में मैं आपको कुछ वर्ड के बारे में बोलूँगा, जो वर्ड कि हम डे टू डे लाइफ में बार बार यूज़ कर चुके हैं, 1000 times यूज़ कर चुके हैं, बचपन से लेकर अभी तक भी यूज़ कर रहे हैं, और उसी वर्ड को हम लोग टेस्ट करेंगे उसको मेमोराइज कर पा रहे हैं कि नहीं. आई विल रेडी नाउ, लिसन टू मी. द पहला वर्ड है आपका डे टू डे लाइफ में जो यूज़ होते हैं वो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्या क्या वर्ड्स हैं. यस, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप एक पेन एंड पेपर ले लीजिए. यस, मैं भी एक पेन एंड पेपर ले लेता हूँ. लेकिन चीज़ ऐसा है कि मैंने आपको तो बोल दिया पेन एंड पेपर लेने के लिए, मत आप मत लिखिए उसको, कोई भी नोट मत कीजिए. अलाउ मी टू मेक ए नोट ऑफ इट. यस, तो मैं आपको वो चीज़ ट्रिक्स सिखाऊँगा. इसी ट्रिक्स में मैं आपको एक चीज़ देने वाला हूँ, वो है हाउ टू मेमोराइज लॉट ऑफ वर्ड्स. वो चीज़ आप सीख के जाएंगे इस वीडियो माध्यम से. आज से इस वीडियो को देखने के बाद आपका कभी भी वोकैबुलरी में प्रॉब्लम नहीं होगा. यस, चलिए दोस्तों. सो ऐसा कुछ वर्ड्स मैं आपको डिस्प्ले करना चाहता हूँ जो वर्ड्स को हम डे टू डे लाइफ में बार बार यूज़ करते हैं. तो जैसा कि एग्जाम्पल है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल. यस, एप्पल को हम बार बार यूज़ करते हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, राइट? पहले दूसरा चीज़ वर्ड लेते हैं, टेबल. एक टेबल सिंपल वर्ड्स है. यस, वेरी नाइस. देन एक वर्ड आ गया चेयर. यस, ऐसा और कौन सा वर्ड है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं? फैन. फैन लेते हैं. यस, ग्लास लेते हैं. यस, उसके बाद चॉक लेते हैं.
एक चॉक लेते हैं, यस। उसके बाद एक नोटबुक लेते हैं, यस। और क्या लेते हैं, शर्ट लेते हैं, बार बार यूज़ करते हैं हम लोग, यस। साइकिल लेते हैं, एक साइकिल ले जाते हैं, यस। कंप्यूटर लेते हैं, यस दोस्तों। पेन लेते हैं, पेन से हम लिखते हैं, बार बार ये वर्ड यूज़ करते हैं, राइट। वाटर लिखते हैं, यस, बहुत अच्छा। स्कूल लिखते हैं, यस, बहुत अच्छा है। ट्री लिखते हैं, पेड़, इसको बार बार यूज़ करते रहते हैं, वेरी नाइस। उसके बाद और कौन सा वर्ड लेंगे अच्छा रहेगा, माउस, यस, माउस लेते हैं। और भी कौन सा वर्ड अच्छा रहेगा, ओके, चलिए हम लोग होटल लेते हैं, एक होटल लेते हैं। मंकी लेते हैं, यस, एक मंकी लेते हैं। और कौन सा वर्ड अच्छा रह पाएगा, बाइक लेते हैं, यस, बाइक लेते हैं। अभी देख लेते हैं कितने वर्ड्स हम लोग यूज़ कर चुके हैं, फाइन। मुझे तो ये पता है कि आप नहीं लिख रहे हैं, राइट। आप लिख रहे हैं तो आप अच्छे से इस वीडियो में जो आगे जो आप सीखने वाले हैं वो सीख नहीं पाएंगे। सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट लिसन टू मी। तो मैंने क्या क्या वर्ड्स दिया यहाँ पे, सबसे कॉमन वर्ड्स दिया हूँ जो कि डे टू डे लाइफ में बार बार यूज़ होते हैं, ओके। सो वर्ड ये है, पहले मैं काउंट कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। दो वर्ड और ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड करेंगे, अच्छा रोज़, ठीक है, एक वर्ड रोज़ यूज़ करते हैं। और क्या है लास्ट, हनी, ठीक है, एक हनी वर्ड यूज़ करते हैं, फाइन। ऐसे ही मेरे पास 20 वर्ड्स हो गए हैं जो डे टू डे लाइफ हम रोज़ यूज़ करते हैं। इस 20 वर्ड्स को लेके हम लोग एक मेमोरी रिटेंशन गेम खेलने वाले हैं। मुझे पता है आप चीटिंग नहीं करेंगे, आप कोई भी वर्ड नहीं लिखेंगे, मत लिखिए पहले इसका, तभी आपको क्रेज पता चलेगा और मज़ा आएंगे। सो आप मेरे साथ हैं, वेरी नाइस। चलो सो आराम से बैठ जाइए और अब मुझे सुनिए। एप्पल, टेबल, चेयर, फैन, ग्लास, चॉक, नोटबुक, शर्ट, साइकिल, कंप्यूटर, पेन, वाटर, स्कूल, ट्री, माउस, होटल, मंकी, बाइक, रोज, हनी। और एक बार सुन लीजिए, ठीक है, और एक बार सुन लीजिए। एप्पल, टेबल, चेयर, फैन, ग्लास, चॉक, नोटबुक, शर्ट, साइकिल, कंप्यूटर, पेन, वाटर, स्कूल, ट्री, माउस, होटल, बाइक, रोज एंड हनी। मैं दो बार पढ़ चुका हूँ और एक बार पढ़ लेता हूँ, आप मुझे सुन लीजिए। एप्पल, टेबल, चेयर, फैन, ग्लास, चॉक, नोटबुक, शर्ट, साइकिल, कंप्यूटर, पेन, वाटर, स्कूल, ट्री, माउस, होटल, मंकी, बाइक, रोज एंड हनी। सो दोस्तों, मैं आपको ये 20 वर्ड्स 3 बार बोल चुका हूँ और आप सुने हैं मुझे। अभी मैं जानता हूँ कि आप इसको नोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप नोट कर रहे हैं तो इसको आगे जाके जो सीखने वाला चीज़ वो मिस हो जाएगा। तो प्लीज़ डोंट मेक ए नोट, जस्ट लिसन टू मी। अभी मेरे वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज दीजिए, पॉज देने के बाद याद कीजिए जो मैं आपको 20 वर्ड्स 3 बार बोला हूँ। लेकिन इसको कैसे याद करेंगे, इन ए सीक्वेंस, और याद करने के बाद बोलने की कोशिश कीजिए, यस, वो सीक्वेंस है मेंटेन हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो आप सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, इस सीक्वेंस को आपको चेक करना होगा कि आप में मेमोरी शार्प है या नहीं। यदि आपका मेमोरी शार्प है तो बहुत बढ़िया है, शार्प नहीं है तो कहाँ पे फॉल्ट है, क्या करने से उसको शार्प किया जा सकता है, ये गेम में मैं आपको सिखाऊंगा। ये बेस्ट साइंटिफिक अप्रोच ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी, ये मैं सिखाऊंगा आपको, यस। चलिए, होप आप थोड़ा पॉज मार के मेरा वीडियो को देख चुके हैं और फिर आप कोशिश कर चुके हैं। समटाइम आप फेल हो गए हैं, समटाइम वर्ड भूल गए हैं, यस, आप सीक्वेंस में नहीं बना पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सीखना चाहेंगे कैसे सीक्वेंस में बनाएंगे, आप सीखना चाहेंगे किस तरह से एफर्टलेसली विद इन अ मिनट आप सारा वर्ड्स को सीक्वेंस में बोल पाएंगे, इम्पॉसिबल, नो, इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल। डिफिकल्ट, यस, लेकिन ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आराम से आप इसको कर पाएंगे। लेकिन मेरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, करेक्ट, वेरी नाइस। सो दोस्तों, मेरा इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, मेरा इंस्ट्रक्शन ये है, सीट विथ काम एंड क्वाइट प्लेस,
पहला इंस्ट्रक्शन. नंबर टू, डोंट यूज नोटबुक एंड पेन देयर. ओके. नंबर थ्री, नो नॉइज, यानी नो डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. ओके. एंड नंबर फोर, आपको एक छोटा सा मेडिटेशन करना है जो मैं आपको सिखाऊंगा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपका मेमोरी को शार्प करेगा. यस, रेडी? एंड आई कैन गारंटी विद इन 30 सेकेंड्स यू कैन स्पीक वर योर 20 वर्ड्स एफर्टलेसली इन अ सीक्वेंस. यस, ये पॉसिबल है. मैं ये बहुत बार कर चुका हूँ और रिजल्ट भी निकाल चुका हूँ. अभी आपसे भी रिजल्ट निकालूंगा, ये मेरा गारंटी है. यस तो दोस्तों, पहले काम एंड क्वाइट प्लेस में बैठ जाइए. और जब आप बैठ रहे हैं तो एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है. पहले बैठिए, रिलैक्स, बैठ गए, ओके, वेरी नाइस. तो तीन बार आप सांस लीजिए, लंबी सांस, वन यस टू थ्री. ओके, ब्रेथ इन, वंस अगेन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट. वेरी नाइस, थैंक यू. अभी आप बैठ जाइए, या खड़े हैं तो खड़े हो जाइए, और कहीं पे अच्छा कंफर्टेबल प्लेस में आप खड़े हैं या बैठे हैं, जो भी जैसा पोजीशन में है वैसे रह जाइए, और आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. अभी आपको वो ट्रिक्स, वो मैजिक में दिखाने वाला हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड हाउ टू रिमेंबर 20 वर्ड्स इन ए सीक्वेंस. यस, इसको सीखने के बाद आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये पूरा माइंड गेम है. ओके, तो चलिए दोस्तों, पहला चीज़ आपको ये करना है, मैं जो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको फॉलो करना है. आपका हाथ को आप ऊपर कीजिए, यस, ऐसा सीधे रखिए, और सारा कॉन्सेंट्रेशन अपने इस पाम के ऊपर दीजिए, पूरा ध्यान लगा के पाम को दीजिए. यस, आप मेरे आवाज़ को अच्छे से सुन रहे हैं और मेरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, और बी ए गुड लिसनर एंड गुड फॉलोअर, और देखिए रिजल्ट क्या आते हैं आपके हाथ में. और इसमें से आप क्या कीजिए, अपने हाथ को आप देखिए, अपने पाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लाइए, और ब्रीदिंग सिस्टम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लाइए. जो आप सांस ले रहे हैं, सांस के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, और धीरे धीरे हाथ को बैंड कीजिए, धीरे धीरे बैंड कीजिए, अपनी फेस के तरफ से देख के बैंड कीजिए, धीरे धीरे बैंड कीजिए, धीरे 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 पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन दीजिए. आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन दीजिए और दीजिए, क्लोज लाइए, और अपना फोरहेड को टच कीजिए, माथे को टच करके आँख बंद कर लीजिए, पूरा आँख बंद कर लीजिए, और हाथ को धीरे से नीचे रख लीजिए. आप हाथ को धीरे से नीचे रख लीजिए. यस, वेरी गुड. आप अब हाथ को धीरे रख चुके हैं. अभी अपना सांस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. यस, आप सांस ले रहे हैं ये एहसास होना चाहिए, ये फील होना चाहिए. आप अच्छे से उसको फील कीजिए. बहुत बढ़िया, धीरे से आप सांस लीजिए अंदर. यस, आराम से सांस को छोड़िए. बहुत अच्छा, और एक बार सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, और एक बार सांस लीजिए, सांस को छोड़िए. वेरी नाइस. आप लेकिन आँख नहीं खोलेंगे जब तक मैं ना बोलूँ, तब तक आँख को क्लोज रखना है. ये मैजिक है और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है. आप अभी मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं. यू आर वेरी गुड. ओके, आगे जाके मैं जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना है. आपका मेमोरी बहुत शार्प है, आप में इनबॉर्न क्वालिटी है, आप सारा वर्ड्स को आराम से याद कर लेंगे. आपका मेमोरी शार्प है, आपका मेमोरी शार्प है, आप 20 वर्ड्स को आराम से याद कर लेंगे इन ए सीक्वेंस. एक भी वर्ड आप नहीं भूलेंगे. यस यस एंड यस, यू आर अ गुड लिसनर, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर वेरी गुड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, यू आर वेरी गुड एट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. योर मेमोरी शार्प, आपका सबकॉन्शियस माइंड में मेरा इंस्ट्रक्शन जा रहा है, धीरे धीरे सारा वर्ड्स याद में रह जाएगा. एफर्टलेसली विद इन 30 सेकेंड्स आप आराम से 20 वर्ड्स को सीक्वेंस में बोलने लगेंगे. यस, क्लोज योर आइज, डोंट ओपन योर आइज. एक वाइट कलर को आप इमेजिन कीजिए, और वाइट कलर से आप ब्लैक में चले जाइए,
और इमेजिन कीजिए एक ब्लैक बोर्ड का, एक ब्लैक बोर्ड को इमेजिन कीजिए। यस, ब्लैक बोर्ड दिखना चाहिए आपके मन की आँखों में, मन की आँखों में एक ब्लैक बोर्ड देखिए, ब्लैक बोर्ड का इमेजिन कीजिए। उस ब्लैक बोर्ड में आपका नाम लिखा है, आपको लग रहा है ना, पूरा ध्यान लगाइए, पूरा ध्यान लगाइए, ब्लैक बोर्ड में आपका नाम लिखा है। अपना नाम के सारे लेटर को आप चेक कीजिए, आराम से चेक कीजिए, सारा लेटर को चेक कीजिए, सारा लेटर को चेक कीजिए, और धीरे धीरे ये लेटर बड़े हो रहे हैं। देखिए धीरे धीरे ये लेटर बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे लेटर बड़े हो रहे हैं, और वाई वही आपका ब्लैक बोर्ड के ठीक ऊपर एक ट्यूबलाइट है, ब्लैक बोर्ड के ठीक ऊपर एक ट्यूबलाइट है, और ट्यूबलाइट के जो ब्राइट है वो बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे सारा चीज़ धुंधला सा हो जा रहा है, और उसी में एक एप्पल निकलता है, उसी में से एक एप्पल निकलता है। एप्पल के ठीक नीचे देखिए एक टेबल लटक रहा है, एप्पल के ठीक नीचे देखिए एक टेबल लटक रहा है, पूरा इमेजिनेशन लगाइए, एक एप्पल निकलता है, एप्पल के ठीक नीचे एक टेबल लटक रहा है, टेबल के ठीक नीचे एक चेयर लटक रहा है, टेबल के ठीक नीचे एक चेयर लटक रहा है, चेयर फैन के ऊपर गिरता है, चेयर फैन के ऊपर गिरता है, और फैन ग्लास में गिर जाता है, और फैन ग्लास में गिर जाता है, ग्लास के अंदर से एक चौक निकलता है, ग्लास के अंदर से एक चौक निकलता है, और चौक में धमाका हो जाते हैं, और चौक नोटबुक में कन्वर्ट हो जाता है, चौक में धमाका होते हैं, और चौक नोटबुक में कन्वर्ट हो जाता है, नोटबुक शर्ट पहनता है, नोटबुक शर्ट पहनता है और साइकिल में बैठता है, नोटबुक शर्ट पहनता है एंड साइकिल में बैठता है, और साइकिल कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है, साइकिल कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है, और कंप्यूटर से एक पेन निकलता है, पेन वाटर में डुबकी लगाता है, पेन वाटर में एक डुबकी लगाता है, और स्कूल चला जाता है, और स्कूल चला जाता है। स्कूल के पीछे देखो एक ट्री है, स्कूल के पीछे एक ट्री है, ट्री के ऊपर एक माउस है, ट्री के ऊपर एक माउस है, माउस एक होटल को जाता है, माउस एक होटल को जाता है और मंकी को पकड़ता है, माउस एक होटल को जाता है और मंकी को पकड़ता है, मंकी बाइक के ऊपर बैठता है, मंकी बाइक के ऊपर बैठता है और रोज़ एक लेता है, और हनी के साथ अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया करता है। मंकी एक रोज़ लेता है एक हाथ में, और एक हाथ में हनी लेके अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। मंकी एक हाथ में रोज़ लेता है और एक हाथ में हनी लेके अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। वंस अगेन आई रिपीट, प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड लिसन टू मी केयरफुली एंड इमेजिन एवरीथिंग, सारा चीज़ को इमेजिन कीजिए। एक एप्पल निकलता है, एप्पल के ठीक नीचे एक टेबल लटक रहा है, टेबल के नीचे एक चेयर लटक रहा है, टेबल के नीचे एक चेयर लटक रहा है, चेयर फैन में गिरता है, चेयर फैन के ऊपर गिरता है, और फैन ग्लास में गिर जाता है, और फैन ग्लास में गिर जाता है, ग्लास के अंदर से एक चौक निकलता है, चौक में धमाका हो जाते हैं, चौक में धमाका हो जाते हैं, और चौक नोटबुक में कन्वर्ट हो जाता है, चौक नोटबुक में कन्वर्ट हो जाता है, नोटबुक शर्ट पहनता है और साइकिल में बैठता है, नोटबुक शर्ट पहनता है एंड साइकिल में बैठ जाता है। वंस अगेन, नोटबुक शर्ट पहनता है और साइकिल में बैठ जाता है, और साइकिल कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है एंड साइकिल कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है, और कंप्यूटर से एक पेन निकलते हैं, कंप्यूटर से एक पेन निकलता है, पेन वाटर में डुबकी लगाता है, पेन वाटर में डुबकी लगाता है, और स्कूल चला जाता है, और स्कूल के ठीक पीछे देखिए एक ट्री है, ट्री में एक माउस है, माउस होटल को जाता है, और मंकी माउस होटल को जाता है और मंकी को पकड़ लेता है, माउस होटल को जाता है और मंकी को पकड़ लेता है, और मंकी बाइक के ऊपर बैठता है, रोज़ लेता है एक हाथ में, और एक हाथ में हनी लेता है, और अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। वंस अगेन हियर आई रिपीट, एक एप्पल निकलता है, एप्पल के ठीक नीचे एक टेबल लटक रहा है, टेबल के ठीक नीचे देखो चेयर लटक रहा है, चेयर
एक फैन के ऊपर गिरता है, चेयर एक फैन के ऊपर गिरता है और फैन सीधे जाके ग्लास के अंदर घुस जाता है, फैन सीधे जाके ग्लास के अंदर गिरता है, ग्लास से एक चौक निकलता है, ग्लास से एक चौक निकलता है और चौक में ज़बरदस्त धमाका होते हैं और चौक नोटबुक में कन्वर्ट हो जाता है, चौक में धमाका होते हैं और नोटबुक में कन्वर्ट हो जाता है, नोटबुक शर्ट पहनता है, नोटबुक शर्ट पहनता है और साइकिल में बैठता है और साइकिल एक कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है और कंप्यूटर से एक पेन निकलता है, पेन वाटर में डुबकी लगाता है, पेन वाटर में डुबकी लगाता है और स्कूल चला जाता है, स्कूल के पीछे देखो एक ट्री है, स्कूल के पीछे देखो एक ट्री है, ट्री में एक माउस है, ट्री में एक माउस है, माउस होटल जाता है, माउस होटल जाता है और मंकी को पकड़ लेता है, मंकी बाइक में बैठता है, एक हाथ में रोज लेता है, दूसरे हाथ में हनी लेता है और अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। यस दोस्तों, अभी आप मुझे सुन चुके हैं, ये स्टोरी को मैं अच्छे से आपको बोला हूँ। अभी स्टोरी में जो जो आइटम्स यूज़ हुआ मैं उसको रिपीट करता हूँ, प्लीज़ लिसन टू मी। एप्पल, टेबल, चेयर, फैन, ग्लास, चौक, नोटबुक, शर्ट, साइकिल, कंप्यूटर, पेन, वाटर, स्कूल, ट्री, माउस, होटल, मंकी, बाइक, रोज, हनी। वन सेकेंड आई रिपीट, डोंट ओपन योर आइज, प्लीज लिसन टू मी। एप्पल, टेबल, चेयर, फैन, ग्लास, चौक, नोटबुक, शर्ट, साइकिल, कंप्यूटर, पेन, वाटर, स्कूल, ट्री, माउस, होटल, मंकी, बाइक, रोज एंड हनी। यस दोस्तों, अभी आप अपना आँख खोल लीजिए, एक स्माइल दीजिए, वेरी नाइस। अभी मेरे वीडियो को थोड़ा पॉज दीजिए और पॉज करने के बाद ये सारा वर्ड्स इन ए सीक्वेंस आप बोलिए और अपना घड़ी के टाइम भी देख लीजिए। यस, सारा इमेजिन कीजिए, जो स्टोरी में मैंने आपको सारा आइटम्स यूज़ किया, आप सारा आइटम्स को याद कीजिए और ये सारा वर्ड जो कनेक्टेड है ईच अदर, वो उसको आप याद करके एक के बाद एक बोलिए। यस यस, पहले क्या निकलता है, एप्पल, वेरी गुड। फिर एप्पल के नीचे क्या लटक रहा है, टेबल, वेरी गुड। टेबल के ठीक नीचे क्या लटक रहा है, एक चेयर। चेयर कहाँ पे गिरता है, फैन में, फैंटास्टिक। फैन कहाँ पे गिर जाता है, ग्लास में, वेरी नाइस। ग्लास से क्या निकलते हैं, चौक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चौक में धमाका होते हैं और चौक नोटबुक में कन्वर्ट हो जाता है। नोटबुक क्या पहनता है, शर्ट पहनता है। कहाँ शर्ट पहन के साइकिल में बैठता है और साइकिल कहाँ पे घुस जाता है, कंप्यूटर, वेरी नाइस। कंप्यूटर से क्या निकलते हैं, पेन, वेरी गुड। पेन कहाँ पे डुबकी लगाता है, पेन वाटर में डुबकी लगा के कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। स्कूल के पीछे क्या है, ट्री है। ट्री के ऊपर क्या है, एक माउस है। माउस कहाँ पे जाता है, होटल में जाता है। किसको पकड़ता है, मंकी को पकड़ लेता है और मंकी कहाँ पे बैठता है, बाइक में बैठता है, वेरी गुड। फिर मंकी एक हाथ में रोज लेता है, दूसरे हाथ में हनी लेता है और अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, राइट। यस, और एक बार भी आप याद कर लीजिए और देखिए आप सारा वर्ड्स 20 वर्ड्स हैं इन ए सीक्वेंस यू आर एबल टू स्पीक, आप आराम से बोल पा रहे हैं। यस, मजा आ रहा है ना, आप बोल पा रहे हैं, फैंटास्टिक, यही मैं चाहता था। मैंने आपको बोला था विदिन 30 सेकेंड्स एफर्टलेसली यू कैन स्पीक दिस 20 वर्ड्स। यस, यदि मैं इसमें 30 भी लाऊं या 40 भी लाऊं या 50 भी लाऊं, यदि मैं आपको एक स्टूपिड स्टोरी की तरह इस तरह से समझाने लगूंगा, आप याद रख लेंगे। यस, सो सीखने वाला चीज़ क्या है, पहले क्यों याद नहीं आया, अभी बाद में कैसे याद आ रहे हैं। पहले आपने क्या किया, सिंगल वर्ड को सुनने गए और जब आप कोशिश किए उसको याद करने के लिए आप भूल गए। ह्यूमन माइंड कैन फॉरगेट द सिंगल वर्ड्स। यस, यदि उसी वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे और वो एग्जाम्पल इमेजिनेशन में कन्वर्ट होगा, जो विजुअलाइज होगा, जो विजुअलाइजेशन जितने वर्ड्स में कनेक्टेड रहेंगे वो सारा चीज़ मेमोरी याद कर लेगा। क्योंकि यदि मैं आपको एप्पल बोलूँ तो आपको क्या दिखता है, स्पेलिंग APPLE और एप्पल का पिक्चर देखते हैं, पिक्चर आता है। यस, हमारा ब्रेन जो है ये पिक्चर को कैप्चर करता है और इसको कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन।
आप सारे चीज़ को विजुलाइज कीजिए, सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए वर्ड्स को, और एक स्टूपिड स्टोरी भी बना सकते हैं और कोई ऐसा कनेक्टेड और बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं जिसको, जिस एग्जांपल से आप विजुलाइज कर पाएंगे चीज़ों को। और देखिए जब आप विजुलाइज करने लगेंगे आपका मेमोरी शार्प होने लगेगा और धीरे धीरे सारा चीज़ याद आने लगेंगे। हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि एक एक सिंगल वर्ड्स, एक सिंगल सिंगल चीज़ सिर्फ दिमाग में डालते जाते हैं, लेकिन ब्रेन तो ऐसा है दोस्तों, वो सिर्फ पिक्चर को ही कैप्चर करेगा। तो इसीलिए आप सारा चीज़ को विजुलाइज कीजिए, विजुलाइजेशन में कन्वर्ट कीजिए और इसको देखिए, आप में सारा चीज़ याद आ जाएगा। यस, और आप कभी नहीं भूलेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, आप ये वीडियो को नहीं भूलेंगे, सारा 20 आइटम्स को भी नहीं भूलेंगे, आप स्टोरी को भी नहीं भूलेंगे। यस, इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स को कलेक्ट कीजिए, एक नोटबुक में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, 5, 10, 15, 20 वर्ड से एक स्टोरी में कुक कीजिए उसको, और स्टोरी के माध्यम से विजुअलाइजेशन को क्रिएट कीजिए और स्टोरी को याद करिए, स्टोरी को भूल के सारा आइटम्स को याद करके आप सीक्वेंस में मेंटेन कीजिए और इन नोटबुक में लिखते जाइए, और देखिए आपका मेमोरी एवरीडे शार्प होने लगेगा। सारा चीज़, सारा एग्जामिनेशन, टॉफिल हो, पीटी हो, आईएलटीएस हो, या कोई इंग्लिश का कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस आप दे रहे हैं, या आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं इंग्लिश में, या स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, वोकैबुलरी, कोई भी दिक्कत आपसे आज नहीं होगा यदि आप इसी वीडियो को आप अच्छे से देखे हैं और मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं और मेरे साथ ये गेम खेले हैं तो। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा, ये सारे चीज़ एक मेमोरी मास्टर गेम है। ऐसा बहुत सारे गेम एक्टिविटी में लेके आऊँगा वीडियो में, और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखा रहा हूँ, इंग्लिश के सीखने के लिए जो मोटिवेशन प्रोत्साहन की ज़रूरत है वो भी मैं दे रहा हूँ, और आगे जाके बहुत अल्टरनेटिव एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा चीज़ लेके आ रहा हूँ। तो आप डोंट फॉरगेट, इट्स अ राइट टाइम टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी माई फ्रेंड एंड लर्न ए लॉट। और आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर कॉल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल राइट।